नमस्कार दोस्तों, इन चारों तरफ खेत ही खेत है यहाँ पे, और इस ऐसे जगह में, सुनसान जगह में क्या खास हो सकता है, जरा आप सोच रहे होंगे। पीछे मेरे आप देख रहे होंगे, खंडहर टाइप का दिख रहा है कुछ। हाँ, ये ऐसा वैसा खंडहर नहीं है, ये ऐसा कोई खंडहर नहीं है, बल्कि यहाँ पे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक स्कूल खोला गया था, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए उस समय काफ़ी मदद साबित हुआ था। और वहीं पे एक मंदिर हम भी आपको दिखाना चाहेंगे इस वीडियो में। मेरे पीछे आप वही स्कूल देख सकते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने समय में बनाया था। तो उससे हम सब ये देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी शिक्षा का काफ़ी विकास हो रहा था, इतने दूर दराज डिस्टेंट एरिया में भी स्कूल बनाए जा चुके थे। लेकिन आज क्या स्थिति वही है? लेकिन आज स्थिति कुछ और है। यहाँ पे टीचर सिर्फ अपने रजिस्टर पे नाम पूर्ति करने के लिए सिर्फ आते हैं, और बच्चे नाम मात्र के आते हैं, सिर्फ खिचड़ी बनती है और सिर्फ वापस घर चले जाते हैं। तो इस वीडियो से हम सरकार को बस यही बताना चाहते हैं कि आप देख लीजिए। पढ़ाई की स्थिति क्या है यहाँ पर? यहाँ पढ़ाई का स्थिति कुछ नहीं है। सरकार से आपकी क्या मांग है? मांग है कि इसको अच्छा बनाएं, यहाँ शिक्षा अच्छा दें। क्या आप भी यहीं से पढ़ाई किए थे? हाँ, पढ़ाई तो मैं भी किया था, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा यहाँ से। आप कहाँ तक पढ़ाई किए? मैं तो यहाँ ऐसे ही 8 क्लास तक ऐसे ही पढ़ा था। कौन से माध्यम में आपने पढ़ाई की? मैं किया था 2008 में। माध्यम क्या था आपका, मीडियम क्या था? मीडियम संस्कृत मीडियम था। संस्कृत था। आप आज के लोगों को क्या बोलेंगे, संस्कृत पढ़ना चाहिए या फिर? हाँ, संस्कृत क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, संस्कृत पढ़ना ही चाहिए। उससे रोजगार मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, ऐसा थोड़े है कि नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। रोजगार मिलेगा? हाँ, रोजगार भी मिलेगा। क्या करेगा एक बच्चा संस्कृत पढ़ के? बहुत कुछ करेगा, संस्कृत पढ़ के अपना भविष्य बनाएगा, ऐसा थोड़े है। जैसे क्या? जैसे मैं मान लीजिए कुछ भी होता है तो संस्कृत में आता है, तो उसको संस्कृत पढ़ना चाहिए। अच्छा, उसको अनुवाद भी करना पड़ता है। आपके गाँव में कॉलेज है कोई? हाँ, कॉलेज है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा हटके कॉलेज है। बच्चों को जाने में प्रॉब्लम होता है वहाँ पे? प्रॉब्लम तो नहीं होता है। शौचालय वहाँ पे? हाँ, सब कुछ व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध है। पर इसकी ऐसी स्थिति, दुर्दशा देख क्या क्या कहेंगे? मैं तो बोलूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा कि ये थोड़ा इसको थोड़ा अच्छा करिए। और बच्चे क्यों नहीं आते हैं? बच्चे यहाँ नहीं आते हैं, पढ़ाई भी नहीं होता है, तो बच्चे यहाँ क्या करने आएंगे? और टीचर को सैलरी मिलती है? हाँ, टीचर को सैलरी तो मिलती ही रहेगी, तो इससे अच्छा जॉब तो हो ही नहीं सकता। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।